नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ चुके थे फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे लेके चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पहले और उसके थ्रू सवाल बनाना सीखेंगे। तो हम लोग के पास जैसे क्या था, हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो था हम लोग के पास। और हम लोग यहाँ क्या जानते थे कि a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a यदि जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये जीरो इंटू कुछ, तो ये जीरो खत्म, ये बन जाएगा लीनियर, इसलिए यहाँ पे a को जीरो होना नहीं था। अब इसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलग तरीका से ड्राइव नहीं होगा हम लोग पास। हम लोग जिस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज किए थे उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर जीरो। कॉमन लेना मतलब एक तरह से क्या करना, उस नंबर से डिवाइड कर देना। तो यहाँ यदि डिवाइड होगा तो a और a खत्म, यहाँ पे डिवाइड होगा तो b बाय a, यहाँ पे c बाय a। अब a यदि जीरो नहीं है मेरे पास, तो a जीरो नहीं है तो a को उधर लेके जा सकते हैं हम लोग, और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो जीरो बाय a कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो बाई ए रहता है तो हम लोग कितना हो जाता है वैल्यू, जीरो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर जीरो। अब इतना आ गया, तो अब यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ, मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर में यदि देख रहे हैं तो प्लस साइन के साथ टू ए रहता है, मतलब हम लोग को इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू, अब यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या लिखे जो बी बाई ए एक्स आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग यदि देखें बी बाई टू ए लिखते हैं तो ये टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बाई ए एक्स आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, हम लोग क्या था बी बाई ए इंटू एक्स, और इधर कितना था टू एक्स लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये बन जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग बी बाई टू ए, इसका वैल्यू कितना आ गया बी बाई टू ए, तो यहाँ पे बी बाई टू ए को पुट कर दिया हम लोग प्लस, अब हो गया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अब बी हो गया तो बी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, अब बी का स्क्वायर कर दिया हम लोग। अब हम लोग का क्या था प्लस सी बाई ए है, लेकिन ये क्वेश्चन में था नहीं हम लोग का, ये तो हम लोग खुद से जनरेट किए हैं, तो इतना जनरेट किया तो इतना क्या करना पड़ेगा हम लोग को, घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया और प्लस सी बाई ए था हम लोग के पास इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से यहां तक क्या बन गया हम लोग के पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको यदि हम लोग देखें तो कितना होगा बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर जीरो। अब ये माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस यदि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग के पास, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल आउट, बचा फोर ए इंटू सी, तो हो गया फोर ए सी बराबर जीरो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो उसको हम लोग मान लेते हैं डी, क्योंकि बार बार हम लोग को इतना लिखना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या मान लिया डी, बाद में हम लोग देखेंगे कि जो रूट है या फिर सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डी मान चुके हैं, तो ये क्या बन गया हम लोग के पास, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, ये डी लिखा हुआ तो इसको रूट डी का स्क्वायर, और नीचे फोर ए स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको टू ए का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ पे क्या आ गया हम लोग के पास, यदि कोई पता चलेगा उसको तो ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हम लोग के पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहाँ से आ जाएगा हम लोग एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, और यहाँ पर जाकर हम लोग पास एक्स प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए बराबर
जीरो। अब यहां से क्या हो गया, कोई दो का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। यहां से सॉल्यूशन यदि हम लोग निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से एक्स प्लस बी बाय टू ए प्लस रूट डी बाय टू ए बराबर जीरो, या फिर एक्स प्लस बी बाय टू ए माइनस रूट डी बाय टू ए बराबर जीरो। अब ये दोनों बराबर जीरो होगा तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से भी निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा, दोनों उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए। और यहां पे क्या आएगा हम लोग के पास, x इज इक्वल टू ये माइनस साइन के साथ और वो प्लस साइन के साथ, तो माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए। अब यहां पे यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, टू ए यहाँ पे हो गया माइनस बी माइनस रूट डी, और यहां पे यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, टू ए यहाँ पे भी, यहाँ पे हो गया माइनस बी प्लस रूट डी। मतलब x का दो वैल्यू आ गया, x और r माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, और x का अगला वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। अब ये दोनों को यदि हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, मतलब चेंज जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। मतलब एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ दो वैल्यू आएगा हम लोग के पास, एक माइनस साइन के साथ एक प्लस साइन के साथ डी का। तो ये जो फॉर्मूला आया एक्स और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए, डी का वैल्यू कितना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी का वैल्यू इतना है। तो ये जो फॉर्मूला आया इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर जिस मैथमेटिशियन ने इनको खोज किया था उनका नाम था श्रीधराचार्य, तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सारा सवाल बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि उसमें डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला पुट करके सबका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं डी का, डी जो था हम लोग के पास डी दिया हुआ हम लोग के पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो रूट है यहां पे एक्स का दो रूट आया हम लोग के पास, अब इसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं डी हो गया यहां पे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यदि यहां पे हम लोग देखें डी के बारे में, तो d या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है d जीरो के बराबर हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है d जीरो से छोटा हो सकता है। ये तीन केस बन सकता है हम लोग के पास, d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, d लेस देन जीरो। अब d यदि जीरो से बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, अब रूट के अंदर यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहां से हम लोग क्या वैल्यू मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे, मतलब x का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो जब d ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां पे हम लोग को मिलेगा टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस केस में क्या मिलेगा हम लोग को, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। अब यहां पे हम लोग यदि देखें डी ग्रेटर देन जीरो केस में हो गया, अब डी बराबर जीरो, तो डी बराबर जीरो यदि ये जीरो हो गया तो स्क्वायर रूट इसका भी जीरो। अब माइनस बी प्लस माइनस जीरो बाय टू ए करेंगे तो हर बार क्या आने वाला है, जैसे माइनस बी हो गया टू ए ऊपर है प्लस माइनस जीरो, तो जीरो से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक्स का दो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस बी बाय टू ए और फिर माइनस बी बाय टू ए, मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो यहां पे हम लोग बोल देंगे डी बराबर जीरो केस में टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट क्या होगा रियल होगा लेकिन क्या होगा इक्वल होगा। अब है डी लेस देन जीरो का केस, तो डी लेस देन यदि जीरो हम लोग देखते हैं तो d लेस देन जीरो ये यदि लेस देन हो गया मतलब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो रूट के अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी हो गया तो ये कभी रियल वैल्यू नहीं देगा। इसको हम लोग इलेवेंथ में पढ़ेंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लेकिन यहाँ पे इसे ये पता चल जाएगा कि ये रियल वैल्यू नहीं है इमेजिनरी है, तो वैल्यू तो हमको दो ही मिलेगा, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा टू इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, रियल रूट्स नहीं मिल पाएगा हम लोग को, टू इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, टू इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा यहाँ पे।
डी लेस देन जीरो केस में। तो ये हो गया हम लोग का अब दो इमेजिनरी रूट मिल गया हम लोग के पास। अब देखते हैं हम लोग यहां पे इसके कुछ ग्राफ के बारे में, जैसे कि y बराबर मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो y बराबर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पे हम लोग कुछ वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। अभी अभी हम लोग को ग्राफ बनाने का ज्यादा तरीका तो नहीं पता है, तो हम लोग वैल्यू कलेक्ट करेंगे। जैसे कि y बराबर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x को हम लोग 1 रखेंगे इसमें, तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब x का वैल्यू, और 0 रखने पे कितना आएगा हम लोग के पास 0 रखने पे 0, तो एक पॉइंट हो गया हम लोग के पास 0,0, यहां से आया 1,1, तो x पे 1 और y पे भी 1, तो ये हो गया हम लोग के पास 1,1। अब उसके बाद यदि हम x को 2 पुट करते हैं, तो x को 2 पुट करें तो y कितना आएगा 4, x को 3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 9, x को 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा हम लोग के पास 16, मतलब x को हम लोग 1 पुट किए तो 1, x को 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 2 पुट किए तो y का वैल्यू हो गया 4, अब 3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 3 पुट किया हम लोग के पास तो वैल्यू हो गया 9, 4 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 16, 4 पुट किया तो हम लोग के पास वैल्यू कितना हो गया 16। इस तरह सबका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग यदि इधर नेगेटिव में जाएंगे, तो x को माइनस भी 1 पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू कितना आने वाला है 1, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां पे x को माइनस 2 पुट करेंगे हम लोग तो भी वैल्यू कितना आने वाला है y का 4 आने वाला है, x को माइनस 3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आने वाला है प्लस साइन के साथ 9 आने वाला है, x को माइनस 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आने वाला है माइनस 16 आने वाला है। तो यहां पे हम लोग माइनस 1 पुट किया तो भी वैल्यू कितना 1, माइनस 2 पुट किया तो भी वैल्यू कितना 4, माइनस 3 पुट किया तो वैल्यू कितना 9। इस तरह करके हम लोग अगला वैल्यू भी पुट किए माइनस करके माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमा कितना आ गया 16। तो यदि हम इसको मिला देंगे तो इस तरह का वैल्यू, और इधर भी मिलाएंगे तो इस तरह का वैल्यू आएगा हम लोग के पास। मतलब एक तरह से y बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा हम लोग के पास वो इस तरह का कंडीशन का होगा। यहाँ पे ये ग्राफ पेपर रहता तो अच्छे से दिखता वहां पे, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लोकेशन नहीं हो पाया है, तो इसलिए यदि हम एग्जैक्ट वैल्यू लोकेट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0,0 से पास हो रहा है, तो ये तो सिंपल ग्राफ हो गया। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे और ग्राफ के बारे में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे ए पे डिपेंड करता है ग्राफ, हम लोग का 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन 0 रहता है तो जो पैरा, मतलब इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरह से इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा अपवर्ड होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा अपवर्ड होगा। अपवर्ड कहने का मतलब है कि ये इस तरह का पार्ट होगा, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। और ए यदि लेस देन 0 होगा हम लोग के पास, तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कहने का मतलब है इस तरह, अपवर्ड कहने का मतलब इस तरह, और डाउनवर्ड कहने का मतलब इस तरह। अपवर्ड मतलब जैसे कि एक तरह से कप है, तो कप में पानी या चाय रखेंगे तो इसमें रह जाए वो अपवर्ड हो गया, और जिसमें नहीं रहे उल्टा गिर जाए उसको हम लोग एक तरह से डाउनवर्ड बोल सकते हैं याद रखने के लिए। अब यहां पे हम लोग देखे थे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट आया था, एक मतलब d पे डिपेंड कर रहा था, एक d ग्रेटर देन 0, एक d इक्वल टू 0 और एक d लेस देन 0। तो उसी तरह यहां पे भी 3 केस आएगा हम लोग के पास, एक d ग्रेटर देन 0, एक d बराबर 0 और एक आएगा d लेस देन 0। तो यहां पे भी 3 केस आएगा, यहां पे भी 3 केस। तो d ग्रेटर देन 0 यदि है हम लोग के पास, तो हम लोग क्या देखे थे कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। तो x एक्सिस y एक्सिस है, तो हम लोग कितना रूट आएगा, दो रूट, एक रूट और दो रूट, कहीं पे भी हो सकता है एक रूट दो रूट आगे पीछे, लेकिन दो रूट आएगा हम लोग के पास, दोनों एक साइड में हो सकता है, लेकिन कितना रूट आएगा हम लोग के पास दो रूट। जब d बराबर 0 होगा तो कितना रूट आएगा, सिर्फ एक रूट, सिर्फ एक रूट। ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक रूट आएगा। ये इस तरह का ग्राफ भी हो सकता था, मतलब ऐसे भी हो सकता था,
ये दोनों उसी साइड हो सकता था, मतलब इस तरह नहीं, यहाँ पे इस तरह कट करते हुए, या फिर इधर भी हो सकता था, दो जगह कट करेगा वो एक्स एक्सिस को, क्यों, क्योंकि दो वैल्यू मिल रहा था हम, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा था हम लोग के पास, और इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स मिल रहा था, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा, इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस केस में यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम ग्राफ होगा, सेम उल्टा शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर जिस तरह था उसी तरह ग्राफ होगा, दो बार कट करते हुए एक्स एक्सिस को, ये किधर होगा, उल्टा की ओर होगा, जब डी बराबर जीरो होगा तो इसका रूट किस तरह होगा, मतलब इसका ग्राफ इस तरह करते हुए एक बार कट करते हुए पास हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू दो बार आ रहा है, और जब डी लेस देन जीरो केस में क्या हो जाएगा, बिना उसको टच किए हुए रहेगा, इस तरह का वैल्यू होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ग्राफ किस तरह है, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड, और ए लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड का ग्राफ होगा। उसमें तीन केस हो गया, डी ग्रेटर देन जीरो, डी बराबर जीरो, डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी बराबर जीरो, डी लेस देन जीरो। अब यहाँ पे हम लोग रूट के बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्या होने वाला रूट का। तो हम लोग को अभी पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो था, इसको सॉल्व किया था कितना आया था हम लोग, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, मतलब डी पे डिपेंडेंट है। इसका दो रूट हुआ, एक रूट हुआ अल्फा और दूसरा रूट हुआ बीटा, मान लेते हैं दो रूट आया, दो वैल्यू आ गए यहाँ से, एक प्लस साइन एक माइनस साइन के साथ, तो एक को मान लिया अल्फा, दूसरा को मान लिया बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, उसी दिन बताए थे, ये रूट है इक्वेशन का, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अल्फा और बीटा, तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं यहां से सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट यदि निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जो रूट है उसका सम, मतलब यहाँ पे एक रूट को हम अल्फा माने थे, दूसरा रूट को बीटा माने थे, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हम किसको बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इसी को ना बोल रहे हैं, यहाँ पे जो रूट, जो दो रूट आया था, तो अल्फा प्लस बीटा, तो एक रूट आया हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और एक रूट आया हम लोग के पास माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। अब ये दोनों को जोड़ने का बात किया जा रहा है, तो इस दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम लोग देखेंगे तो एलसीएम तो यहाँ पे 2a होगा, यहाँ पे होगा माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी, तो इस केस में क्या होगा, d और रूट डी कैंसिल आउट, माइनस बी और माइनस बी एड होकर माइनस टू बी बाई टू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू बी बाई टू ए, ये टू और टी कैंसिल आउट, मतलब माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से एक चीज जो ध्यान में रखना है हम लोग को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है हम लोग के पास, माइनस बी बाई ए। अब दूसरा जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं यहां से, वो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि हम लोग देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, जो रूट है मेरे पास, तो रूट कौन कौन सा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट निकालना हम लोग को, मतलब जो दोनों रूट है उस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों रूट जो है उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो क्या था हम लोग के पास, x इक्वल टू एक था, माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए, और दूसरा जो रूट है वो क्या था हम लोग के पास, अल्फा इंटू बीटा इसको बोल दिए थे हम लोग, तो माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए, यही दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग को, उसका वैल्यू बताना है प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे टू ए कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, नीचे हो गया हम लोग के पास टू टू फोर ए इंटू ए फोर ए स्क्वायर। ऊपर में यदि हम ध्यान से देखें और माइनस बी को हम ए की तरह ट्रीट करें, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, तो यदि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना रूट डी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस रूट डी का होल स्क्वायर,
यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगा हुआ है, तो यहां से माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, मतलब डी डी कितना हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर, एक फोर से फोर एक ए से ए कैंसिल आउट, कितना बचा हम लोग के पास सी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हम लोग के पास माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा आ गया हम लोग के पास सी बाय ए। ये दो चीज हम लोग ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट होता है वो माइनस बी बाय ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो कितना होता है सी बाय ए होता है। अब यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका बोल दिया फाइंड इज इक्वल टू जीरो, फाइंड रहा तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो फाइंड रहा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका रूट फाइंड आउट करने बोला है हम लोग को, इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने बोला है। तो जैसे कि हम लोग देखे थे इसको, हम इसी सवाल को हम लोग एक तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला, वो क्या बोलता है कि यदि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है मेरे पास, हम लोग क्या करेंगे वहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, या फिर हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जिसको हम लोग डी माने थे। तो यहां पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है वन है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है वन है, तो ए कितना हो गया हम लोग के पास वन हो गया, बी कितना हो गया हम लोग के पास, तो बी क्या है एक्स का कोफिशियंट, मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई किया हो एक्स के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया गया है फाइव मल्टीप्लाई किया गया, और सी कितना है हम लोग के पास, तो कॉन्स्टेंट जो है वो कितना है सिक्स है, तो ए का वैल्यू निकल गया बी का वैल्यू निकल गया और सी का वैल्यू निकल गया। अब करना क्या है सिर्फ हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग पास माइनस फाइव प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय टू ए, तो टू इंटू ए कितना है वन, तब इसको यदि हम लोग देखेंगे तो कितना देखा हम लोग का माइनस फाइव प्लस माइनस रूट में फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू सिक्स कितना जाएगा ट्वेंटी फोर, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है वन डिवाइडेड बाय टू इंटू वन कितना हो गया टू टू, मतलब यहाँ से एक्स का दो वैल्यू आया हम लोग के पास, एक्स पर आ रहा है माइनस फाइव प्लस वन बाय टू और एक्स बराबर कितना आ गया हम लोग का माइनस फाइव माइनस वन बाय टू, अब माइनस फाइव प्लस वन बाई टू आया तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस फाइव प्लस वन कितना जाएगा माइनस फोर बाई टू और यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स का वैल्यू तो कितना जाएगा माइनस सिक्स बाई टू, तो माइनस फोर बाई टू कितना हो गया यहाँ से माइनस टू और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का माइनस थ्री, तो एक्स का वैल्यू हो गया हम लोग का माइनस टू और माइनस थ्री, तो रूट फाइंड आउट करने बोला था तो एक्स बराबर हो गया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, एक्स बराबर हो गया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था जैसे यहां से हम लोग इस इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोग को यदि रूट पता है तो जैसे रूट हम लोग को पता है कितना एक्स बराबर माइनस टू और माइनस थ्री, एक्स बराबर माइनस टू और माइनस थ्री है, मतलब एक साथ यदि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस टू और एक्स बराबर माइनस थ्री जैसा लिखे थे, तो एक्स बराबर माइनस टू और एक्स बराबर माइनस थ्री लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस टू बराबर जीरो और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, या ये जीरो है या फिर ये जीरो है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या बोल सकते हैं हम लोग जीरो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 3x, तो 2x plus 3x कितना हो जाएगा 5x और 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर 0 आ गया हम लोग के पास। तो हम लोग के पास कितना x square plus 5x plus 6 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गया। मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ था हम लोग x square, ये जो 5 है यहाँ पे और ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6। तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, सम ऑफ रूट कितना होगा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से यदि हम लोग सम ऑफ रूट निकालते हैं, माइनस टू और माइनस थ्री तो हम लोग सॉल्व किए हैं ना, तो माइनस टू और माइनस थ्री सॉल्व किए हैं तो सम ऑफ रूट हम अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ से माइनस फाइव, माइनस टू और माइनस थ्री एड होगा तो कितना जाएगा माइनस फाइव, और अल्फा इंटू बीटा यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा हम लोग का माइनस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस और टू इंटू थ्री सिक्स हो गया। मतलब सम ऑफ रूट हो गया माइनस फाइव और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया सिक्स। ये कब आया, जब हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाले उसके बाद कंपेयर किए। यदि डायरेक्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो रहता और वहां से डायरेक्ट हम लोग को लिखना रहता सम ऑफ रूट, तो हम लोग अभी याद किए थे कि सम ऑफ रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए के बराबर यदि होता है तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे फाइव है, बाय ए ए कितना है यहाँ पे वन है, तो माइनस फाइव बाय वन कितना हो गया माइनस फाइव। और दूसरा क्या निकालना है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब बेसिकली क्या अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना लिख सकते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो गया हम लोग के पास। सी कितना है इसमें सिक्स है और ए कितना है यहाँ पे वन है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सिक्स हो गया और माइनस फाइव हो गया। तो ये वेरीफाई करने बोलता है कि आप रूट निकालिए उसके बाद इसको वेरीफाई कीजिए कि ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों वेरीफाई हो रहा है कि नहीं दोनों एक जगह से। तो पहले रूट निकाल लिए हम लोग, उसके बाद वेरीफाई कर लिया और जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा जो था सी बाय उसको निकाल लिया हम लोग। तो यहाँ पे ये बेसिक जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अब अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग।